जिनको प्रशासन ने पकड़ लिया है। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर, ये देखिए, तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रशासन यहाँ पर सख्ती बरतता हुआ उन पर अपना एजेंडा होगा, हमारे समर्थन में आना है तो रोड जाके जाम करते हैं ना, हम उनको कब मना कर रहे हैं। सब प्रशासन भी करवा रहा है, ऐसी बात नहीं है, सारी राजनीति ऊपर से चलती है, ऐसा नहीं है उनकी पार्टी में कोई बिके हुए नहीं होते। तो प्रशासन के आगे से निकल के आए हैं, प्रशासन वहाँ भी रोक सकता था ना, वहाँ क्यों नहीं रोका, यहाँ आके क्यों उन्होंने बीच में आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं है, किसान जरूर है लेकिन हम राजनीति भी जानते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है कि नहीं। क्या जेब में रखा है? ये जो है अच्छा, वो नीला गमछा भीम आर्मी के लोग हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे, गमछा डाले हुए थे नीला, जिसको यहाँ पर किसानों ने उतरवा दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस आंदोलन को कम से कम किसी भी तरीके का राजनीतिक रूप देने की कोशिश किसान होने नहीं दे रहे हैं, और कोई भी अगर राजनेता अपनी पार्टी अपने बैनर या टोपी लगाकर यहाँ पर आंदोलन में आ रही है तो उसकी टोपी, उसका बैनर, उसका झंडा यहाँ उतरवा दिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही झंडा बुलंद है, वो है तिरंगा, और दूसरा झंडा है तो वो किसान यूनियन का है, यानी किसानों का झंडा है। तो किसानों के बैनर के तले कोई भी पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता आ सकता है, लेकिन किसानों के अलावा कोई भी पार्टी का या संगठन का व्यक्ति यहाँ पर उसको खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। खेती पर निर्भर लोग हैं, जो पशुपालन के क्षेत्र में है, जो खेतिहर मजदूर है, उन तमाम लोगों के लिए बर्बादी का सबब बनने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, नहीं तो इस देश का भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर इस देश का 30 करोड़ दलित और अखिलियत के लोग किसानों के साथ खड़े हैं और इस सरकार को रद्द करने का काम कर रहे हैं। हम राजनीति का काम यहाँ से नहीं चलेगा, मैं पहले भी दो बार कह गया हूँ। भैया क्या हो गया? किसानों के सवाल आपने पूछने पूछिए, ठीक है? नहीं, ये बात आप पूरी तरह बंद, पूरी तरह से सज है। भैया तुम क्या रखे हो यार? रुको, तो आप करो। किसान देखो कह रहे हैं ना, गलत बात है, हम प्रशासन के साथ है। प्रशासन हमारा फाजी, हम कौन सी बात है? बताओ क्या करें? जब प्रशासन नहीं चाह रहा है, क्या करूँगा? तो यहाँ पर चलो हटो इससे, चलो तो यहाँ पर कुछ अफरा तफरी का माहौल और प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर हटा दिया है। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को प्रशासन ने पकड़ा है। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रशासन ने पकड़ लिया है। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर बाइट दे रहे थे और उनको प्रशासन ने कब्जे हिरासत में लिया है। ये आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन में पहुँचे थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा कर लेकर जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, जिनको प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और मीडिया से रूबरू होते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को
प्रशासन ने हिरासत में लिया है। जैसा कि शुरुआत में हमने दिखाया कि यहाँ पर किसान आंदोलन में सभी तरह से भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है, वैसे ही गमछा भी उतरवाया था भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, और अब ये एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता सामने आते हुए तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर ये देखिए तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, किसान आंदोलन में पहुंचे थे और उसके बाद प्रशासन ने लाठी चार्ज किया, गाड़ी में बिठाकर लेकर जाया जा रहा है अब। तो प्रशासन ने अभी अभी भीम आर्मी के दो कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया है, हिरासत में उनको लेकर जाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए थे, उसके बाद उनसे पहले उनके गले से गमछा उतरवाया गया जो नीले कलर का था, और टोपियां उतरवाई गई जो भीम आर्मी की थी, यानी इस ये बात उनसे कहा गया कि यहां पर जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन है, इस जगह पर किसी भी संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा या बैनर नहीं लगाने दिया जाएगा। उन्होंने वो सारा काम किया, उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो कुछ हालात बिगड़ते हुए से दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने लाठी चार्ज किया और दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, तस्वीरें जैसे आपने देखी, और अब उनको यहां से भेज दिया गया। अब पूरा यहां का माहौल जो है पूरा एकदम पहले की तरह शांत है, कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ा था, हुड़दंग सा मचा था, और अब पूरी तरीके से फिर से उसी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वो जो भीम आर्मी के लोग आए थे वो क्या कहना चाह रहे थे, क्यों उन पर लाठी चार्ज? अपना एजेंडा होगा, हमारे समर्थन में आना है, वो रोड जाके जाम करते हैं ना, हम उनको कब मना कर रहे हैं? वो दूसरे रोड जाम करें, हमारे पास आके क्यों हमारा आंदोलन खराब करना चाह रहे हैं? यहाँ पर आकर वो कह रहे थे कि किसानों के समर्थन में वो यहाँ बैठना है। किसानों के समर्थन में हमने किसी भी पार्टी से समर्थन मांगा ही नहीं है, पार्टी के तौर पर नहीं है ना, उन्होंने गमछा आपके कहने से उतार दिया, टोपी उतार दी, वो सब प्रशासन भी करवा रहा है, ऐसी बात नहीं है, सारी राजनीति ऊपर से चलती है, ऐसा नहीं है उनके पार्टी में कोई बिके हुए नहीं होते। मतलब ये कहना चाह रहे कि प्रशासन के द्वारा उनको यहाँ पर लाया गया, किसी का भी दोबारा हो सकता है, कोई ऊपर से दबाव, आप भी जाके वहाँ पे बढ़ो, ठीक है कि नहीं, वो उससे माहौल खराब होगा, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरी बात बताओ, प्रशासन के आगे से निकल के आए, प्रशासन वहाँ भी रोक सकता था ना, वहाँ क्यों नहीं रोका, यहाँ आके क्यों उन्होंने बीच में आंदोलन खराब करना चाह रहे हैं? हम इतने बेवकूफ नहीं है, किसान जरूर है लेकिन हम राजनीति भी जानते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है कि नहीं? इस आंदोलन को राजनीतिक ना बनाए, ये आंदोलन जन आंदोलन है, इन्हें हमारा ज्यादा फिक्र है तो दूसरे रोडों पे बैठ के जाम कर देना, इनके पास एमपी एमएलए बहुत है, हमारे से ज्यादा है, ठीक है? तो जैसा आपने देखा, इन्होंने बताया कि अगर उनको यहाँ से प्रशासन को उठाना था तो उन्हें आने क्यों दिया गया, यानी जहाँ से वो निकल कर आए थे वहाँ पर भी प्रशासन के लोग थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर उन्हें हटाया, यानी इसके पीछे ये राजनीतिक बू की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत यहाँ पर आए थे, किसान आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे, इस तरह की बात इन्होंने कही, और इन्होंने ही पहले सबसे पहले उन लोगों का विरोध किया था और कहा था कि आप यहाँ पर राजनीति ना करिए, अगर आपको सड़क बंद करनी है या कहीं पर भी प्रोटेस्ट अपना करना है तो आप दूसरा रास्ता कहीं पर भी जाकर बंद कर सकते हैं, विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं। एआर न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रजा की रिपोर्ट, गाजीपुर, दिल्ली।